हेलो गाइस, हमारे चैनल में HGR आपको पता ही है। हमने इम्पोर्टेंट सेंटेंस की सीरीज़ 1 to 9 कंप्लीट की है, जहां पर हम आपको डेली यूज सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो आप रोज़ अपने जीवन में, अपनी लाइफ में उसका प्रयोग करके अपने आप को स्मार्ट्स, एक योग्य, एलिजिबल साबित कर सकते हैं। तो आज हम इम्पोर्टेंट सेंटेंस सीरीज पार्ट 10 को कंप्लीट करेंगे। ये लोग कुछ हटके वाक्य जो करें आपको आत्मनिर्भर, खुद पर हो विश्वास। अगर आप कुछ भी कार्य तभी सफलतापूर्वक कर पाएंगे जब आपको अपने पे खुद पर विश्वास होगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप भी सिगरेट पीते हैं? क्या आप भी सिगरेट पीते हैं? डू यू आल्सो स्मोक? डू यू आल्सो स्मोक? नेक्स्ट नंबर 2, आप चाय लेंगे या कॉफी? वुड यू हैव टी और कॉफी? वुड यू हैव टी या कॉफी? नंबर 3, जरा नमक पकड़िए, पकड़ाएं। जरा नमक पकड़ाएं। पास मी द साल्ट प्लीज। पास मी द साल्ट प्लीज। यानी कि आपको कुछ भी चीज़ पकड़ाने के लिए किससे आग्रह करना है तो आप इंग्लिश वर्डों प्लीज का अवश्य ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में आप कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसमें पोलाइटली वे का भाव मेंशन होना चाहिए। अगर आपने पोलाइटली इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में आपने पोलाइटली शब्दों का, मीनिंग्स का प्रयोग नहीं किया तो आपको असभ्य माना जाता है। गाइज, ये आपकी सभ्यता का एक परिचय देती है, क्या? इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट नंबर 4, मुझे थोड़ा सा ताज़ा मक्खन दीजिए। गिव मी सम फ्रेश बटर प्लीज। देखो, प्लीज आपको लगाना है, खुद से लगाना है, ताकि आपका जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो पोलाइटली वे में बन सके। नंबर 5, थोड़ा और लीजिए। गेट सम मोर, गेट सम मोर प्लीज। अपने आप खाएं। हेल्प योर सेल्फ प्लीज। हेल्प योर सेल्फ प्लीज। देखो, आपको अपने आप ही सब कुछ करना होता है तो आपको अपने जीवन में अपने आप ही सब कुछ करना है, तो इसलिए आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर आप तब बनेंगे जब आपको, देखो ये नहीं कहता मैं कि आपको कुछ चार पांच कुछ लैंग्वेज का ज्ञान हो, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। हाँ, हम मानते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं, हमको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आज का जो पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का दायरा है वो इतना सिमट गया, इतना छोटा हो गया कि आप किसी भी स्टेट में, इंडिया के अंदर ही या इंडिया से बाहर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता है। तो अगर आप उससे अनभिज्ञ हैं तो आप कुछ भी गाइज नहीं है, पढ़े लिखे होते हुए भी आप एक अनपढ़ के समान ही हैं। तो गाइज, इससे आप बिल्कुल भी बुरा ना माने, अगर आपको लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में पकड़ नहीं है तो आप अपनी कमजोरियों से बहुत कुछ खो सकते हैं, बहुत कुछ खो सकते हैं आप अपनी कमजोरियों से। तो गाइज, इस पर पकड़ मजबूत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्या आप शाकाहारी हैं? क्या आप शाकाहारी हैं? आर यू ए वेजिटेरियन? शाकाहारी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एट क्वेश्चन, आप क्या कह रहा है? आज मेरा खाना बाहर ही है, यानी कि आज मुझे बाहरी खाना है, आज मेरा खाना बाहरी है, तो आई विल हैव माई डिनर आउट टूडे। नेक्स्ट नंबर 9, क्या आप दूध पियेंगे? यानी कि आपने विशिज की है, इच्छा जताई है कि आप दूध पियेंगे, तो वुड यू, जहां पर आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, पूछते हैं, परमिशन लेते हैं, तो वहां पोलाइटली के लिए, पोलाइटली वे में आप वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू लाइक सम मिल्क? वुड यू लाइक सम मिल्क? नेक्स्ट नंबर 10, मैं खाना खाने को अभी बैठा हूँ। मैं खाना खाने को अभी बैठा हूँ। गाइज, आप
इन छोटे छोटे सेंटेंस को आपको पता ही नहीं, आप इनका डेली अपनी लाइफ में, अपने जीवन में डेली प्रयोग करते हैं। अगर आप इनको एक छोटी सी हैबिट्स और ऐड कर लें, एक आदत और डाल लें, क्या कि आप इनको हिंदी में ना बोल के इन छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने की आज से ही कोशिश करें, आज से नहीं अभी से कोशिश करें, तो आप जानेंगे कि हाँ, महीने 2 महीने कुछ इफर्ट करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैंने इन कुछ दिनों में, कुछ महीनों में क्या कुछ पा लिया है। तो आई हैव जस्ट सेट डाउन टू हैव माई मील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैं चावल नहीं खाता। आई एम नॉट फाउंड ऑफ राइस, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई डू नॉट ईट राइस। ठीक है गाइस, आप दोनों प्रकार से इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 12, खाने के बाद मीठा क्या है, यानी कि बहुत से व्यक्ति को आदत, हैबिट्स होती है कि खाने के बाद उसको कुछ मीठे की आवश्यकता होती है, तो खाने के बाद मीठा क्या है, तो व्हाट इज देयर फॉर डिजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 2 रोटियों से तो मेरी भूख नहीं मिटी, 2 रोटियों से तो मेरी भूख नहीं मिटी, 2 चपातीज वर नॉट इनफ फॉर मी। नेक्स्ट नंबर 14, आलू तथा मटर मेरा मन पसंद खाना है, आलू तथा मटर मेरा मन पसंद खाना है, तो इसके आंसर में आलू मटर इज माई फेवरेट डिश, आलू मटर इज माई फेवरेट डिश। आपकी जो भी फेवरेट डिश है उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आलू मटर के स्थान पर आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं और अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो गाइज, आप इन छोटे छोटे वाक्यों को डेली इन बोलें, लेकिन बोलने जो आपकी जो वोकेब है, आपकी एक हैबिट्स है, ह्यूमंस, आपकी नहीं हमारी भी सबकी हैबिट्स क्या है कि ह्यूमंस में एक मोस्टली परमात्मा का दिया एक एरर होता है, एक कमी होती है कि वो कुछ दिनों बाद उस बात को भूल जाता है अगर वो उसका डेली प्रयोग नहीं करता। तो इस समस्या से बचने के लिए आप क्या करेंगे गाइज, इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और फिर अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू करेंगे। जब आप कुछ भी भूल जाएं तो उसको तुरंत अपने नोट्स में आप देख सकते हैं, ताकि आपको बार बार वीडियो को वॉच करने की आवश्यकता ना पड़े। नेक्स्ट नंबर 15, खाने का समय हो गया है, तैयार हो जाओ। ये खाने का समय हो गया है, तैयार हो जाओ, तो इसके आंसर में इट इज डिनर टाइम, इट इज डिनर टाइम गेट रेडी, इट इज डिनर टाइम गेट रेडी। नेक्स्ट नंबर 16, सब्जी में नमक कम है, देर इज लेस साल्ट इन द वेजिटेबल्स या करी। सब्जी को आप करी भी कह सकते हैं या वेजिटेबल्स भी, आप दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट नंबर 17, खाली पेट पानी न पियो, खाली पेट पानी न पियो, नहीं पीना चाहिए। डू नॉट डोंट टेक वाटर ऑन एन एम्पटी स्टोमच। तो गाइज, आज हम आपके समक्ष केवल 17 ही सेंटेंस लेकर आए थे, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करें और इनका अब डेली से डेली इनका प्रयोग करें। तो ओके गाइज, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि आपका भला तो हो ही, आप वॉच कर रहे हैं लेकिन किसी और का भला भी हो। डू गुड और हैव गुड की हैबिट्स आपको करनी चाहिए, कि कर भला हो भला। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।